हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर अपने टीजीटी एसएसटी और प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स टू सब्सक्राइब माई चैनल। और जल्दी से मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपका ये फायदा होगा कि आपको एक काम मिलेगा जो कि आपके रिविजन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो जाइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हो, क्योंकि हर एक मिनट कीमती होता है पेपर में, ऐसी प्रिपरेशन में भी हर एक मिनट कीमती होता है। तो जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहले शुरू करेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग से। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसको हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, आप ये ध्यान रखना। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1948 में, 6 दिसंबर 1948 1949 में। तो आइए इसके पॉइंट, मेन पॉइंट है क्या देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला आयोग राधा कृष्ण आयोग था। तो आप ध्यान रखना है, आप एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पहला आयोग कौन सा था। तो वो है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग। अगला पॉइंट देखते हैं, राधा कृष्णन बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट, 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने रिपोर्ट पेश की। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग को लगभग 20 विषयों की जांच करने को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे स्वास्थ्य वाले शिक्षकों को 64 वर्ष तक पढ़ाना, यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक सप्ताह में 18 घंटे का शिक्षण कार्य इसने सिफारिश की, इस आयोग ने। नेक्स्ट पॉइंट, छात्र का निर्माण विश्वविद्यालय के लिए नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का निर्माण छात्रों के लिए होता है, यह किसने कहा था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जाकिर हुसैन समिति। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, अखिल जाकिर हुसैन समिति का गठन हुआ था 1937-38 में। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्धा योजना 7 से 14 वर्ष तक अनिवार्य में निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट, मातृभाषा में शिक्षा, ये वर्धा योजना की विशेषताएं हैं। अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं दिया गया था वर्धा योजना में। बेसिक क्राफ्ट से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं तक सह शिक्षा की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, समय 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे, जिसमें से आधारभूत शिल्प के लिए 3 घंटे 20 मिनट का कार्य डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं हमें, 1956 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा तैयार की गई थी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा कब तैयार की गई थी, तो आपको क्या लगाना है, सन 1956 में। अगला देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन। तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1882-83 में, 3 फरवरी 1882 में। अगर आता है तो आप ऑप्शन ध्यान रखना, 1882-83 आएगा या फिर 3 फरवरी 1882। अगला है, प्रथम शिक्षा आयोग, ये भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, पाठ्यक्रम को इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। इसमें एक कोर्स साहित्य होना चाहिए उन छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज जाना चाहते हैं। बी कोर्स व्यापारिक व्यावसायिक साहित्यिक विषयों का समावेश उन छात्रों के लिए जो व्यवसाय करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण एवं जिला शिक्षा का नियंत्रण जिला एवं नगर बोर्ड को सौंप दिया जाए, इसमें कहा गया था। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन के अध्यक्ष थे विलियम्स हंटर। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन में 8 सदस्य भारतीय थे। अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि डीएसएससी में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये डीएसएससी बोर्ड कहीं से भी कुछ उठा के पूछ लेगी, तो इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे, तो आपको क्या टिक करना है, 8 सदस्य भारतीय थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 1902 में की गई थी, 27 जनवरी 1902 में, वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की गठन कब किया गया, तो आपको क्या लगाना, सन 1902, उसकी जो अध्यक्ष थे वो थे सर टॉमस रेले।
नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। इस आयोग की स्थापना हुई थी सन 1964 में, तो इसमें पॉइंट वाइज डिटेल देखते हैं इसकी। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग यह भारत के इतिहास में छठा आयोग था। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 1964 को इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष प्रोफेसर डीएस कोठारी, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी, इसलिए शिक्षा आयोग 1964 को कोठारी आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुल 17 सदस्य इसमें थे, इसमें 6 विदेश से थे। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय संकुल का निर्माण, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि विद्यालय संकुल की संकल्पना किस आयोग में की गई थी, तो आपको क्या लगाना है? कोठारी आयोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षा के संपूर्ण ढांचे पर पुनः विचार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य विशेषता अंतर्राष्ट्रीय संरचना थी, इस आयोग की मुख्य विशेषता क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय संरचना। नेक्स्ट, इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण औजार बताया। इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण औजार बताया। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन जरूरी बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 8वीं से 10वीं तक 3 भाषाओं का अध्ययन जरूरी। अगला देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। इस आयोग की स्थापना हुई थी 1952-53 में। इसके पॉइंट देखते हैं, सन 1948 में कैब ने भारत सरकार को एक आयोग नियुक्त करने की सलाह दी। भारत नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। नेक्स्ट, जून 1953 में इसने सेवा प्रस्तुत की। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए, ऐसी इस आयोग ने सिफारिश की। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तो लास्ट में वीडियो देखने का ये फायदा है कि आपको दिया जा रहा है होमवर्क, और इस होमवर्क को आपको करके लाना है, मीन्स कमेंट में कमेंट करके बताने कि आपने कितना ध्यान से पढ़ा है और हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि इसी से हैं सारे क्वेश्चन। पहला है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था? ए हंटर कमीशन, बी मुदालियर कमीशन, सी सैंडलर कमीशन, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पहला आयोग कौन सा था? ए हंटर कमीशन, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी मुदालियर कमीशन, या डी सार्जेंट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 3, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? ए 1882 से 1883, 1882 से 1890, 1991 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर हंटर, जॉन हंटर, विलियम हंटर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5, हंटर कमीशन में कितने सदस्य भारतीय थे? 8, 10, 11, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा कब तैयार की गई? 1955, 1957, 1956, या 1902। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब किया गया? 1937 से 1938, 1941 से 1942, 1946, या 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? 27 जनवरी 1902, 25 मार्च 1905, 1935, 1936। क्वेश्चन नंबर 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना अथवा मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई? 1940 से 1941, या 1939 से 1940, या 1952 से 1953, या 1960। क्वेश्चन नंबर 10, कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 17, 15, 19 या 8। तो फ्रेंड्स, ये थी एक और वीडियो जो कि कुछ अलग टाइप की थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि मोटिवेशन बनी रहे आपकी भी और मेरी भी, और मैं जल्दी जल्दी और अलग अलग तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो कि हर सब्जेक्ट से होंगे, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मन पर चैनल एंजॉय के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मन पर एंजॉय। और अभी जो मैंने से पहले एक वीडियो डाली थी, वो मैंने इसलिए वीडियो डाली ताकि थोड़ा सा आप स्ट्रेस ना लें और थोड़ा एंजॉय भी करते रहें। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में।